नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ टुडे। देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में इतनी महारत हासिल की कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया। भारत में हॉकी के गोल्ड एरा के साक्षी मेजर ध्यानचंद का नाम भी ऐसे ही लोगों में मशहूर है। उन्होंने अपने खेल से भारत को ओलंपिक खेलों की हॉकी लीग में सफलता दिखाने के साथ ही परंपरागत एशियन हॉकी का दबदबा कायम किया। विपक्षी खिलाड़ियों के कब्जे से गेंद छीनकर बिजली की तेजी से दौड़ने वाले ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। उनके जन्मदिन को देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है और खेल की दुनिया में बेहतरीन योगदान देने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। जिस तरह से फुटबॉल में पेले रोनाल्डो, क्रिकेट में जॉन, बैडमिंटन और चैंपियन और सचिन तेंदुलकर को उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, उसी तरह हॉकी में मेजर ध्यानचंद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके खेल का मुरीद साल 1936 में ध्यानचंद ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के बर्लिन पहुंचे थे। हिटलर ने ध्यानचंद से मुलाकात की, अपने जर्मनी की नागरिकता लेने का प्रस्ताव दिया। इतना ही नहीं, हिटलर की तरफ से सेना का बड़ा पद भी ऑफर किया गया। हिटलर के इस ऑफर को मेजर ध्यानचंद ने बड़ी ही विनम्रता से इनकार कर दिया। ध्यानचंद ने कहा कि मैंने भारत का नमक खाया है और मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। जिस वक्त पूरी दुनिया हिटलर के नाम पर कांपती थी, उस समय ध्यानचंद ने उन्हें ना कहने का तजुर्बा दिखाया था। उनके इस जज्बे को पूरी दुनिया सलाम करती है। लोग उनके खेल के दीवाने थे और अब उनकी देशभक्ति के भी दीवाने हैं।